उनके इम्तिहान और टेस्ट जो है दैट्स कंटिन्यू दैट्स गोइंग ऑन। अल्लाह ताला ने ये जो जिस लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा था वो इम्तिहान ना कल खत्म हुआ है, ना आज या चांद रात के बाद खत्म हुआ है, ना चांद रात के बाद खत्म होगा। वाबुद रब्बा का हत्ता यातियकल यकीन, इबादत के प्रोसेस को कंटिन्यू रख जब तक कि तुझे मौत नहीं आ जाए। सो एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट डाई टिल यू वॉन्ट डाई, आपकी जिंदगी का जो मकसद है दैट्स नॉट गोना स्टॉप, वो रुकेगा नहीं। हाँ, इस महीने के अंदर अल्लाह की रहमतें तेज हो जाती हैं, अल्लाह की बरकतें तेज हो जाती हैं, मगर हमारी परफॉर्मेंस और जो हम पे जो तलवार लटकी हुई है इस टाइम पर, जो हमारे ऊपर फरीदा है इबादत का और अल्लाह के फराइज और अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का, वो ना आज खत्म हुआ है, ना कल खत्म होगा और ना कल खत्म हुआ था। इसलिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्टेटमेंट देता हूं यहां पर, द विजन नेवर एंड्स अप, इट इज द पीपल हु कैरी दैट विजन दैट गेट रिप्लेस्ड। एंड अल्लाह सेज द सेम थिंग, इबादत नेवर एंड्स अप, अ पर्सन डाइज देन समबडी एल्स कैरीज दैट विजन of getting actualized in finding his Lord and Creator in this world. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, CEO ban ke bhi hota hai deen mein aur CEO se utarne ke baad bhi hota hai, ye khatam kabhi nahi hota. But sometimes you are the front general and sometimes you are the thinking mind at the back, sometimes you are a laborer, sometimes you are a manager, sometimes you are a thinker, sometimes you are a planner, sometimes you are a tank and sometimes you are a bullet. It all depends. In every role of life, the ibadah is going on. आप क्या बनते हैं इस दीन के लिए, कील बने या टैंक बने या किताब बने, वो तो आपके ऊपर है, मगर ये प्रोसेस कभी नहीं रुकता। So Ramadan has got nothing to do with your process going on in this world. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, हमने तुम्हें तखलीक किया था इबादत के लिए। और अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि हमने तुम्हें तखलीक किया था इबादत के लिए, अल्लाह ने कहा था क्रिएट ही नहीं किया मां सिवा इसलिए कि तू इबादत। सो एनीथिंग एल्स डिफाइंड फॉर अ मुसलमान फॉर अ मुस्लिम अदर देन इबादा इज बातिल, इज डिविएशन, इज दलाल, ये गुमराही है। इसका इंसान की नेचुरैलिटी के साथ, उसके वजूद के साथ, उसके एग्जिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सो द फाइट इज ऑन एंड द प्रोसेस इज ऑन एंड द जर्नी इज ऑन and you're still living, और अभी सांस निकला नहीं। गरगरा, गरगरा in Arabic, गरगरा in Arabic means वो आखिरी सांस जो इंसान के हलक में अटकता है उसे गरगरा कहते हैं, और वहां तक तौबा का दरवाजा खुला है। द मोमेंट यू गेट अ गरगरा, जिस लम्हे आपको गरगरा आता है उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और जिस वक्त सूरज मशरक की जगह मगरिब से निकल आएगा उस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाए।